हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फंक्शन इन पाइथन में। तो पाइथन में हम फंक्शन की आज हम बात करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। आप वहाँ पे अगर नहीं ज्वाइन किया है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। तो आइए बात करते हैं पाइथन में फंक्शन क्या होता है। तो जनरली अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन चाहे वो पाइथन में हो, चाहे वो सी में हो, जावा में हो, फंक्शन आपका जो है बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। तो पाइथन में भी हमारा जो फंक्शन है वो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यानी एक पीस ऑफ कोड होता है। जो भी आप कोड लिखते हैं उसमें आपका पीस ऑफ कोड है, जो कि आपका किसी एक टास्क को रिपीटेडली करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पाइथन फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाएगा। और इसको यूज करने का बेसिक मोटिव क्या है कि हम अगर कोई टास्क है जिसको हमें बार बार करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर मान लीजिए कोई ऐसा टास्क है जो आपको बार बार करना है और उसके लिए आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत है, तो आप पूरा कोड बार बार ना लिख के आप क्या करेंगे, उसको उस पीस ऑफ कोड को आप एक फंक्शन का नाम दे देंगे और बार बार उस पूरे कोड को लिखने के बजाय आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को सिंपली बस एक बार कॉल कर देंगे या जितनी बार भी आपको यूज करना है उतनी बार फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो आपका इसीलिए बनाया जाता है कि आप रिपीटेडली जो भी टास्क आपको करने हैं उसको आप फंक्शन के थ्रू कर लें। ठीक है, जो भी सेम कोड अगेन एंड अगेन आपके कोड में यूज हो रहा है उसको आप फंक्शन को कॉल करके कोड को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या हैं आप देख लेते हैं फंक्शन के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, कोड ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में हमारा होता है। अगर हम फंक्शन को यूज़ ना करें तो बार बार हम एक ही टास्क को करने के लिए बार बार हम कोड को लिखेंगे, जिससे हमारा कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा, तो रीडेबिलिटी हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसीलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं जिससे हमारी रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो कोड है वो हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, यानी पीस ऑफ कोड जिसको हमने फंक्शन बनाया है उसको बार बार हम जितनी चाहें उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आपका जब उसको कॉल किया जाता है तो वो रन करता है। ठीक है, आप इसमें डेटा भी पास कर सकते हैं जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, यानी फंक्शन के अंदर आप कुछ पैरामीटर, कुछ वैल्यूज आप पास करते हैं। ठीक है, और वो आप फंक्शन जो है वो डेटा एज अ रिजल्ट रिटर्न भी करती है। ठीक है, कैसे बनाते हैं फंक्शन को आप पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन को अगर आपको क्रिएट करना है पाइथन के अंदर, तो पाइथन में फंक्शन जो है वो हम डेफ कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, जो पाइथन है वो हमारा, पाइथन के अंदर फंक्शन जो है वो डेफ कीवर्ड को यूज करके डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड लगाएंगे हम जब भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो डेफ के आगे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो माई फंक्शन लिया गया है और इसके आगे आपका लगा है पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट लगा हुआ है। इस पैरेंथेसिस में हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर लिखते हैं, या फिर जो वैल्यूज हमें फंक्शन को देनी है वो लिखते हैं। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे पाइथन में और उसके आगे लगाएंगे फंक्शन का नाम और उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें एक फंक्शन बनाना है, माई फंक्शन नाम का फंक्शन, और तो हमने डेफ कीवर्ड लगा के उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया और उस फंक्शन के अंदर हमने लिखा है प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, यानी हमें हेलो फ्रॉम अ फंक्शन को प्रिंट करना है इस फंक्शन के थ्रू। और अब हम इसको क्या करेंगे, हमने अभी सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, यानी फंक्शन को क्रिएट किया है,
अब हमें अगर इसे यूज करना है तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को का नाम लिखेंगे और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने पहले डिफाइन कर दिया फंक्शन को, माई फंक्शन नाम से हमने डिफाइन किया है डेफ कीवर्ड का यूज़ करके, और इसके अंदर हमने जो कोड लिखा है वो प्रिंट कराना है हमें हेलो फ्रॉम अ फंक्शन को, ठीक है। और जब हम कॉल करेंगे तो इस तरह से कॉल करेंगे कि फंक्शन का नाम लिखेंगे और आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो कि हम फंक्शन के अंदर पास करना चाहते हैं उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका फंक्शन के नेम के बाद स्पेसिफाई किया जाता है कि क्या हम उसके अंदर वैल्यू पास करने वाले हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को लिखते हैं। आप इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, जितने चाहें उतने आर्ग्यूमेंट या जितने चाहें उतनी वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉमा से सारी वैल्यूज को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन हमारे पाइथन के अंदर दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स फंक्शंस होते हैं पाइथन में। पहला होता है बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस, यानी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड फंक्शन कहलाते हैं, जो पाइथन में आपके पहले से होते हैं, इनको सिर्फ आपको यूज करना होता है। तो जो आपकी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है पाइथन में, और ये आपके पाइथन में अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए, जब भी आप चाहें यूज कर सकते हैं। एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है इसको हम यूजर जो है वो खुद क्रिएट करता है, यानी यूजर खुद क्रिएट करेगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस को, ठीक है। तो हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन से, है ना, अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। यानी हम ऐसा चाहते हैं अगर कि कोई हमें टास्क परफॉर्म कराना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम अपना खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो दो टाइप के फंक्शन आपने समझे, एक होता है जो पहले से आपके पाइथन में डिफाइंड है जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन कहलाता है, और एक होता है जो हम खुद से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। तो एक बार आपसे कंक्लूड कर देती हूँ कि क्या हमने आज पढ़ा है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो फंक्शन में हमने क्या देखा कि फंक्शन हमारा जो पाइथन के अंदर फंक्शन होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, जब भी हमें कोड के अंदर कोई टास्क बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो उस पीस ऑफ कोड को हम क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं। उस फंक्शन को फिर हमें जब भी हमें कोड को रीयूज करना होगा तो हम उस फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी और रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। फिर हम फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं ये हमने देखा। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आप डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, इससे फंक्शन को डिफाइन करते हैं और आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं फंक्शन नेम के आगे, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, ठीक है। फंक्शन को हमें कॉल करना होता है, जिसके लिए हम फंक्शन का नाम उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। ये हमने दो टाइप के देखे, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन जो कि पहले से डिफाइंड है पाइथन में, इनको यूज करना होता है, और एक हम खुद क्रिएट करते हैं फंक्शन जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पाइथन से रिलेटेड फंक्शंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।